पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म के वाहक छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवनियुक्त गौदूत देवेश मिश्रा ने आज एक महत्वपूर्ण प्रश्नवार्ता ली, जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्र धर्म संस्कृति के अविरल विकास की जननी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के उद्देश्य से गौ माता की रक्षा करने का महान संकल्प का अभियान प्रारंभ है। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन की शुरुआत आज हमने यहां पर की है, चारों पीठ के हमारे पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा और हम सब गौ सेवकों के द्वारा पूरे देश भर में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का अभियान जारी है और इसी के तहत यह प्रेस वार्ता पूरे देश भर के प्रत्येक प्रांत में नवनियुक्त गौदूतों के द्वारा ली गई है। यहाँ छत्तीसगढ़ से गौदूत के रूप में महंत राम बालादास जी महाराज और मैं स्वयं देवेश मिश्रा गौदूत के रूप में नियुक्त हुआ हूँ आदरणीय जगतगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। इसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों में गौ सांसद की नियुक्ति होगी, जिसकी घोषणा अभी 2 से 3 दिनों में कर दी जाएगी। आगामी 6 फरवरी को काशी और प्रयागराज में जो हमारा गौ सांसद सम्मेलन आयोजित है, उसमें ये सभी गौ सांसद सम्मिलित होंगे और वहाँ पर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसके तहत क्रमबद्ध आंदोलन भी किया जाएगा यदि वर्तमान सरकार उसको तुरंत जो है एक्शन में नहीं लाती है। तो गौ तस्करी को रोकने के लिए, गौवंश की सुरक्षा के लिए गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, यह इसकी शुरुआत जो हो चुकी है और जहाँ जहाँ पर इस प्रकार से जो तस्कर हो रहा है उनको पकड़ने, जब ये कानूनी जो है इसमें अमलीजामा इसको पहना दिया जाएगा, तो आप मानकर चलिए जब गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी, कानूनी दायरे में हम लोग ले आएंगे इसको, तो फिर कोई गौवंश का नाश नहीं कर पाएगा, गौ माता हमारी सुरक्षित हो जाएगी और यही हमारा महत्वपूर्ण अभियान है। और उसके लिए जहाँ जहाँ पर भी जिनकी भी सरकार है उन सभी सरकारों को बाध्य किया जाएगा कि वो गौवंश की सुरक्षा करें, अन्यथा उन सरकारों के खिलाफ भी हम लोग जो है कदम उठाएंगे। और ऐसे लोग, ऐसी सरकारें जो सनातन धर्म के खिलाफ या गौ माता की रक्षा करने के लिए संकल्पित नहीं होगी, वे स्वयं हट जाएंगे या उनको धर्म संसद के द्वारा हटाने की क्रिया की जाएगी और उसमें हम सभी देश की पूरी जनता का साथ लेंगे।